दिल्ली के बुराड़ी में बन रहे केदारनाथ धाम के प्रतीकात्मक मंदिर निर्माण का विरोध थम गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के आश्वासन के बाद तीर्थ पुरोहित, साधु संत और व्यापारियों ने आंदोलन को स्थगित कर दिया है। दिल्ली की बुराड़ी में केदारनाथ जैसे मंदिर के निर्माण को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। विपक्षी दलों और तीर्थ पुरोहितों ने इसके विरोध में आवाज बुलंद कर दी। इसी बीच बुराड़ी में श्री केदारनाथ धाम दिल्ली ट्रस्ट के संस्थापक सुरेंद्र रौतेला ने अहम टिप्पणी की। उन्होंने कहा है, अगर दिल्ली में बनने वाले मंदिर का नाम केदारनाथ मंदिर रखने से भावनाएं आहत हो रही हैं, तो ट्रस्ट मंदिर का नाम बदल देगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी धर्म के रक्षक हैं, इसलिए उन्हें मंदिर के शिलान्यास के कार्यक्रम में बुलाया गया था। मुख्यमंत्री धामी का मंदिर ट्रस्ट से कोई लेना देना नहीं है। दिल्ली में केदारनाथ मंदिर बनाने के मामले में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर कहा कि मामले में कांग्रेस बेवजह इस पर राजनीति कर रही है। तो उस दिन लगाई जाएगी जब मंदिर पूरा होगा, और मुख्यमंत्री शिला क्यों लेके जाएंगे? मुख्यमंत्री तो वहाँ पे सिरे पर सिरे हमारे रिक्वेस्ट पे आए थे, शिला ले जानी होती तो हमारे कोई ट्रस्ट के लोग लेके जाते, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है और शिला ले जाने का कोई मन नहीं है कि अब केदारनाथ से शिला लेके जाएं। और जो भी हम उल्कार मतलब जैसे भी दुख पहुंच वाला तो वही हम माफी मांगना तैयार छू। और हम केदारनाथ मंदिर तो दिल्ली में बनाना, लेकिन केदारनाथ धाम नहीं बनाना। केदारनाथ धाम जैसे वह खींची हिमालय में और उत्तराखंड में केदार घाटी में वह खींची हिमालय, जो हमारे केदारनाथ असली केदारनाथ जी तो वह खींची। दिल्ली में केदारनाथ मंदिर बनाने के मामले में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर कहा कि कांग्रेस बेवजह इस पर राजनीति कर रही है, क्योंकि केदारनाथ धाम सिर्फ एक जगह है और कहीं नहीं हो सकता, लेकिन मंदिर तो बनते रहते हैं। देखिए, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है और कांग्रेस मुद्दा विहीन है, इसलिए बेवजह के मुद्दों को तूल देती है, जबकि उसमें पहले ही कह दिया गया है कि जो केदारनाथ धाम है वो केवल केदारनाथ नहीं हो सकता है, मंदाकिनी सरस्वती के तट पर उसके बीच में जो हमारा धाम है, जहां पूरे देश दुनिया की आस्था है, वही धाम है। अन्य स्थानों पर मंदिर बनते रहेंगे। केदारनाथ धाम के तीर्थ पुरोहितों ने अपने विरोध और प्रदर्शन को स्थगित करने का फैसला किया। दिल्ली की बुराड़ी में प्रस्तावित केदारनाथ मंदिर के नाम पर तीर्थ पुरोहितों ने अपना विरोध दर्ज किया था। इसके बाद मंगलवार को केदार सभा के अध्यक्ष ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की और कहा, सीएम धामी ने देवस्थानम बोर्ड के मामले पर कड़ा स्टैंड लिया था और अब मंदिर के विषय में भी सीएम ने आश्वासन दिया है कि केदारनाथ धाम की गरिमा बनी रहेगी। जो बुराड़ी में केदारनाथ धाम बनने वाला था उसके संदर्भ में कल हमारे केदार सभा अध्यक्ष पंडित राजकुमार तिवारी जी की माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता हुई और उस वार्ता में हमें आश्वासन दिया गया है कि ये जो मंदिर है इसका स्वरूप और इसके नाम पर पुनर्विचार होगा और इसका नाम बदला जाएगा। पूर्व में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने देवस्थानम बोर्ड में हमारा जो सहयोग दिया था उसी के आधार पर आज हम इस आंदोलन को फिलहाल के लिए कुछ समय के लिए स्थगित कर रहे हैं। दिल्ली में केदारनाथ के प्रतीकात्मक मंदिर के निर्माण और भगवान केदारनाथ के नाम से ट्रस्ट चलाने को लेकर केदारनाथ तीर्थ पुरोहित समाज का गुस्सा बढ़ गया था। पुरोहितों ने केदारनाथ में जोरदार प्रदर्शन किया और नारेबाजी भी की। सीएम धामी से बातचीत के बाद उन्हें भरोसा दिया गया कि जल्द इस मामले में कोई ठोस पहल होगी। वहीं से लेकर सियासत भी चरम पर है। न्यूज 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।